और देखो हमने क्या करा है और अभी सुबह सुबह क्या हो रहा है। हेलो माय हैप्पी फेसेस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज भी थोड़ा इंटरेस्टिंग डे है तो ऑफ कोर्स व्लॉग तो करना बनता है। मेरे अभी इस वक्त बॉडी में इतना दर्द है ना, लाइक दर्दे हो रही है, दर्द है डिस्को। मतलब कल मैंने बाइसेप्स ट्राइसेप्स करा और फिर उससे दो दिन पहले मैंने थाइस करी थी तो और भाई साहब ऐसे दर्दे हो रही है। मतलब ये वाला हाथ कैमरे पकड़ने में भी हाथ दर्द हो रहा है। चेंज करते हैं, बट आज है संडे, इट्स द वीकेंड टुडे एंड आज थोड़ा रिलैक्स तो है ही, बट स्टिल ऑफ कोर्स तुम्हें पता है कि मतलब संडे हो वीकेंड हो तो मैं थोड़ा तो प्रोडक्टिव करने की कोशिश करती हूँ, रेस्ट भी करती हूँ। कल रात को हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करी, अगर आपको याद हो तो हमारा जो टीवी है वो हमारे लिविंग एरिया में है और मतलब हम यहाँ पे बैठ के सोफे पे बैठ के टीवी देखते हैं। लेकिन कल मैंने निपुन को बोला, मैं प्लीज़ मेरा बेड पे लेट के टीवी देखने का मन है तो प्लीज़ तुम टीवी बेडरूम में शिफ्ट कर दो और देखो हमने क्या करा है और अभी सुबह सुबह क्या हो रहा है। दैट्स द रीज़न वाई वी डिडंट हैव अ टीवी इन द बेडरूम इन दिस हाउस बिफोर, बिकॉज सुबह सुबह यहाँ चालू हो चुका है टीवी। व्हाट एक्सक्यूज मी, मैं कभी कह रहा टीवी ना होना चाहिए बेड में, तो आई अग्री टू दैट। तुम्हारी रिक्वेस्ट है यहाँ पे, बट मैं यही बोल रही हूँ कि इसी रीजन की वजह से हमारे बेडरूम में टीवी नहीं था, क्योंकि ये तो तुमने सुबह सुबह टीवी क्यों चलाया, ये किसने चलाया, दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, वो तो मेरे को पता ही है टीवी बेडरूम में होगा तो फिर तो और दिखाना पड़ता है। और कल अपने रात को मूवी देखी है, मतलब आराम से बेड पे लेट के, कभी इधर ऐसे लेट के, कभी ऐसे तो सो ही गई थी मैं, बीच में 5-10 मिनट सो गई थी मैं। यही होता है, अब आदत ही नहीं रह गई है टीवी देखने की। थिएटर में मूवीज देखा करते थे, मतलब कितनी मूवीज देखा करते थे, बट अब मुझे लगता है मैं 2 घंटा एक जगह बैठ के, लाइक यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग बीच में, जैसे मैं कोल्ड कॉफी बनाने चली गई, फिर कल तो खैर इंटरमीडियंट फास्टिंग का तो मेरा बैड मैंने शायद रात को 11:30 तक खाया है। दिस विल गो आउट आई थिंक बाय टुनाइट, बिकॉज ड्रॉइंग रूम में ही सही है, मतलब लिविंग एरिया में इज फाइन। अगर सोफा इतना कंफर्टेबल नहीं है तो इस चक्कर में ना हम कम टीवी भी देख रहे थे। मतलब मैंने ये नोटिस किया था कि मैं इस कमरे में आके एडिटिंग कर लेती थी, बट वो नहीं हो रहा है। मेरे पास 2 वीडियोस पड़ी हैं जो मुझे एडिट करके फाइनल करनी है। अच्छा नहीं लगता जब प्रोडक्टिव नहीं होते। आज मैं सोच रही हूँ एक वीडियो भी शूट करने का, तो देखते हैं अगर शूट करते हैं तो तुम लोगों को BTS भी दिखेगा, थोड़ा सा दिखाऊंगी ऑफकोर्स। दिस इज वेयर वी हैड केप्ट द टीवी, आपको दिख रहा है मिट्टी से। ऑल्सो वॉट इज दिस, ये अभी देखा मैंने, मैडम पीस लिली को शायद पानी नहीं मिला है, प्यासी है जिसकी वजह से इनकी हालत ऐसी हो गई है। I am actually editing right now. I am sitting here. I can smell something really tasty from the kitchen and I know Nipun is cooking. So what are you cooking? I see bread, toasted bread, sunny side up. Because he's wearing a mask and I'm also wearing a mask because Maid didi hai yahan pe. Lunch ke liye already thodi bahut taiyari ho chuki hai. So today I'm gonna make shahi paneer. That maine didi se pyaaz aur tamatar mota mota katwa liya, because I'm just gonna do this cook karke thoda sa mixie pe, you'll see. And some lasan because main thoda sa chutney banane ka soch rahi hu. Maine chhilke nahi nikale acche se. And then thoda sa खरबूजा है, इसको मैं सबको ढक के रख देती हूँ बिकॉज आजकल थोड़े मच्छर भी आने शुरू हो गए हैं। ऑल्सो फ्यू वर आस्किंग मी कि मेरी ये जो बॉटल है 1 लीटर वाली वो कहाँ से है। सो दिस इज एक्चुअली फ्रॉम द US, हार्वर्ड का सुवेनियर है, हम लोग गए थे, माय सिस्टर यूज्ड टू स्टडी देयर, सो वहाँ से हमने एक सुवेनियर में लेकर आई थी। बहुत पहले की है ये बॉटल, बट आई एम प्रिटी श्योर कि ऐसी 1 लीटर की बॉटल आपको अमेजोन में बहुत ईजिली मिल जाएगी, सो हाँ वो ढूंढ सकते हो आप। एंड What is this? I am currently editing as I said, और मेरे को फिर से खुशबुएं आ रही हैं किचन से। What's cooking again, Mr. Husband? निपुण एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बना रहा है और जिसकी खुशबू आते ही मैं इतनी खुश सी हो गई। आज कुछ थोड़ा अनहेल्दी स्टार्ट हो रही है दिन की, मैं कहूंगी प्लीज मेरे को कमेंट्स में बैश मत करना, बट आज संडे है और आज हमारा मन कर रहा है मैगी। तो अभी हम मैगी खा रहे हैं, प्याज टमाटर वाली मैगी बनाई है जो कि हम खाएंगे। और मैं सोच रही हूँ मैं फास्ट ब्रेक कर देती हूँ, मुझे भूख लग रही है, पता नहीं क्यों ऐसा वीकेंड पे होता है, जब वीकडे पे काम कर रही होती ना मैं तो फिर नहीं पता चलता, मतलब तब तो लगता है कि हाँ 1 बज जाता है, 1:30 बज जाता है, कब पता चलता, बट
हाँ अभी भूख लग रही है, व्हाट टू डू, खा लेते हैं. मैं ही खाते हैं. कोल्ड कॉफी पियोगे साथ में? हाँ. वी आर गोना हैव आवर ब्रेकफास्ट और हम टीवी देखेंगे क्या बेडरूम में? आज तो मतलब फुल जैसे स्पॉइल्ड किड्स होते हैं ना, वैसी वाली हरकत कर रहे हैं. बट चलो ठीक है, फटाफट खाना खाते हैं, वीडियो जो एडिट है वो खत्म करती हूँ, नहाती हूँ. ऑल चटना के लिए वी आर गोइंग टू आवर कजन्स प्लेस. हाँ भी फन होगा, थोड़ा बहुत स्निपर्स दिखाऊंगी वहाँ का. काफी टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग, वो हमारे घर आए थे पहले. यस, प्लान इज सॉर्टेड नाउ, बस अब खाना है. खाना आ जाए, कब आएगा? So I have just taken a very quick shower. अभी मैं आज बहुत लेट हो रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम है. मैंने एक ड्रेस पहनी है एंड यू नो जस्ट अ फील गुड फैक्टर. घर पे भी बैठे हो तो क्या है यार, मतलब कभी कभी तो मैं पजामे पहनती हूँ, ऐसी बात नहीं है. बट लाइक वंस इन अ व्हाइल आई डू ट्राई टू यू नो लाइक ड्रेस अप एंड फील गुड. एंड नाउ दैट वी नो दैट द ऑफिसेज आर नॉट ओपनिंग एनी टाइम सून, आई थिंक तुम लोगों के कुछ लोगों के ऑफिस खुल गए थे, यू गाइज टोल्ड मी. बट हाँ, हमारा ऑफिस तो अब ऐसी सिचुएशन हो गई, तो दिसंबर तक भी नहीं खुलना है. सो या आई एम क्विकली गोना गो इन द किचन. जो मैंने आज सोचा था सुबह बनाने का, वो मैं फटाफट अभी बनाती हूँ, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है, 4:15 बज चुके हैं. आई ऑल्सो हैव टू शूट लाइक अ प्रॉपर सेटिंग वीडियो, मैं अभी करूँगी थोड़े टाइम बाद. एंड या लेट्स गो टू द किचन फटाफट. आई एम नॉट दैट हंग्री वैसे, सुबह सुबह मैगी खा चुके हैं. बट मैंने आज थोड़ा बहुत ना शाही पनीर सोचा हुआ था निपुन के लिए, बिकॉज ही लव्स पनीर. सुबह ही ना मैंने बस प्याज टमाटर लहसुन को ऐसे कर दिया, मैं उसको मिक्सी में घुमाऊंगी एंड इसकी ग्रेवी सी बनाऊंगी. 4-5 काजू डालूंगी, सो दैट थोड़ा सा और मिल्की टाइप फील आए. एंड जस्ट पुट सम पनीर एंड इट्स गोना बी रेडी रियली सून, सो लेट्स क्विकली डू दैट. So the shahi paneer is ready. It looks really nice and tastes really good. मैंने ज़्यादा मसाले वसाले नहीं डाले, तो सिंपल सॉल्ट है, नो लाल मिर्च, नो मिर्च एट ऑल. बस एक थोड़ा सा शाही पनीर मसाला जो मम्मा ने भेजा था वो डाला है. एंड अभी ऑनेस्टली मेरे पास रोटी बनाने का टाइम नहीं है. सो हमारे सोसाइटी में ना ऐसे होम कुक्स हैं बहुत सारे, तो मैंने पूछा एक ग्रुप पे कि कोई रोटी भेज सकता है, क्योंकि हमने लास्ट 2 बार मंगवाई है ऐसे रोटी. तो हाँ देखा, हमने मैसेज करा है उनको कि रोटी कोई है भेजने वाला. रोटी का जुगाड़ हो गया है, 15 मिनट में रोटी आ रही है. मतलब दिस इज द बेस्ट पार्ट यू नो ऑफ लिविंग इन सोसाइटी, कि इतने सारे लाइक केक्स, ड्राई फ्रूट्स, चाट पापड़ी, स्नैक्स एंड यू नो देयर सो मच ऑफ ऑप्शन टू मेक इट फैट बट हेल्दी ऑल्सो. मतलब हमने सब्जी बना लिया, हमें बस रोटी बनाने का बिल्कुल मन नहीं है. राइट, आई एम सिटिंग इन माई कंफर्टेबल वर्क फ्रॉम होम ऑफिस चेयर. और नहीं, मैं काम नहीं कर रही हूँ, आई एम एक्चुअली गोना डू सम पैम्परिंग, सम इफेक्टिव पैम्परिंग यू नो फॉर माई स्किन, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, इतनी खिची खिची टाइप त्वचा लाइक लिटरली. एंड आई थॉट बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट शूटिंग, जस्ट टू गिव माई स्किन अ बूस्ट ऑफ हाइड्रेशन, लेट मी यूज समथिंग. आई एम एक्चुअली यूजिंग अ वेरी न्यू प्रोडक्ट टुडे, इज द लोरियल पैरिस हाइलोरॉनिक एसिड प्लम्प फ्रेश मिक्स सीरम मास्क. और ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है. आप देख सकते हो, इट्स नॉट लाइक अ रेगुलर फेस मास्क, यू नो जो शीट मास्क होते हैं, जिसमें जो टिश्यू मास्क होता है उसी के अंदर सीरम ऑलरेडी पहले से होता है. बट इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, टिश्यू मास्क है वो यहाँ पे अलग से मिलता है एंड यहाँ पे आपको एक सीरम मिलता है, सीरम का कंपार्टमेंट है. आई रेड अबाउट इट इन रिसर्च दैट व्हाई इज हाइलुरोनिक एसिड सो इंपॉर्टेंट एंड सो इन बज दीज डेज. हाइलुरोनिक एसिड इज एक्चुअली अ नेचुरली प्रेजेंट मॉलिक्यूल आपकी स्किन में जो होता है, जो कि 1000 टाइम्स अपनी वेट से ज्यादा वाटर को अब्सॉर्ब कर सकता है. एंड 20 की एज के बाद ये आपकी बॉडी से ना कम होना शुरू हो जाता है इसका जो क्वांटिटी है. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू नो दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच एक्चुअली हेल्प यू रिटेन दैट मॉइस्चर, बिकॉज आपकी स्किन और प्लम्पी ग्लोई हो जाती है इन प्रोडक्ट्स को यूज करने से. ऑफ कोर्स एक बार में नहीं होगा, व्हिच आई थिंक फॉर इट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल द स्किन केयर. एंड इट ऑल्सो होल्ड्स ट्रू दैट यू ऑल्सो हैव टू मेंटेन अ गुड गट, अ गुड लाइफस्टाइल. सो ऐसा नहीं है कि यू नो ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करके आपको पहले बार इंस्टेंट मिलेगा. ऑफ कोर्स आप हफ्ते में 2-3 बार इसको यूज करो. इसको अगर आप हाइलुरोनिक एसिड के साथ, सीरम के साथ यूज कर सकते हो तो उसके साथ करो. एंड एट द सेम टाइम ईट वेल. ओके, दिस इज द पैकेजिंग, ठीक है. एंड यहाँ पे ऐसा लिखा है ये फ्रेशली मिक्स्ड बाय यू. सो ये जो सीरम है इसको आप जो टिश्यू मास्क है यहाँ पे उसके साथ मिक्स करोगे. एंड दिस इज द टिश्यू मास्क राइट हियर, यू कांट सी ऑफ कोर्स बट यू विल सी इन सम टाइम, व्हिच इज मेड ऑफ नेचुरल एल्गी एक्सट्रैक्ट व्हिच कैन अब्सॉर्ब अप टू 20 टाइम्स ओन वेट इन द वाटर. ऑब्वियसली व्हिच मींस दैट
दैट जो ये सीरम है उसको बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब करेगा. और जैसे कई फेस मास्क होते हैं ना जो बहुत ड्रिपी ड्रिपी से होते हैं, मतलब और आधी चीज तो उनके कंटेनर में जो जिसमें आता है उसी में ही रह जाती है. आई थिंक दिस इज गोना मेक श्योर दैट ये जो सीरम है वो बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब करे इस टिश्यू मास्क को. लेट मी जस्ट ट्राई टू ओपन इट. आई एम जस्ट गोना यूज द इंस्ट्रक्शंस हियर. जो ये डॉटेड लाइंस है, इसी डॉटेड लाइन से आपको ऐसे फोल्ड करना है. Wow! Did you hear that? That is so cool. It's like preparing your own dish for your skin to eat. Okay, so सारा जो hyaluronic acid है वो मैंने freshly जो tissue mask है उसमें mix कर दिया है. Now this tissue mask compartment is like fully ready to, you know, kind of like bring it on your face. This is where you actually open the tissue mask. So it's show time. उससे पहले मैं ना अपने बाल बांध लेती हूँ. Okay then. Fits pretty well, yeah. I do have some serum left over in this packet as well. So, मैं थोड़ा बहुत ऐसे अपने हाथ पे निकाल के, I'm just gonna let the mask absorb it. And yeah, with that, I'm just gonna wait. Not just wait, you know me. मतलब मैं ऐसे बैठ नहीं सकती हूँ. Probably I'll just set up my background जो भी है, जिसके मुझे shoot करना है अभी. Almost dry हो गया है. ओ, तुमने मुझे देखा नहीं मास्क में? देख लिया मैंने. तेरे से बात कर रहा हूँ बिना मास्क के, फिर भी नहीं देखा. तो मेरा सेटअप कुछ इस तरीके का होने वाला है. रिंग लाइट है जो मैंने चांदनी चौक से ली है, एंड ये लैम्प निपुण ने बनाया है. इंटरेस्टिंगली पहले उधर था बट अब हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया क्योंकि थोड़ी लाइट भी आ जाएगी. ये प्लांट है, दिस इज एक्चुअली अ फेक प्लांट. ओनली टू फेक प्लांट्स व्हिच वी हैव बिकॉज़ वी डोंट लाइक फेक प्लांट्स, वी लाइक लाइव प्लांट्स एंड वी वांट टू टेक केयर ऑफ देम एंड ट्रीट देम एज बेबीज. दिस इज एक्चुअली फ्रॉम पंचकुया मार्केट. हमने कुछ 400 रुपए का लिया था. या दिस इज लाइक अ प्रॉप. ओके, आई थिंक अ मास्क सूख गया है. एंड एक्चुअली ना बड़ी कूलिंग सी फीलिंग आ रही है इस मास्क को यूज करके. तुम लोग भी ट्राई करना. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डालूंगी. दिस इज फॉर 199 रुपीज. एंड आई कैन फील दैट मेरी स्किन ऐसे काफी प्लम्पी सी लग रही है. एंड यू सी द ग्लो, राइट? दे आर प्रीटी गुड. हैप्पी विद द रिजल्ट्स. कंटिन्यूअसली इसको यूज करते रहोगे तभी आपको प्रॉपर पता चलेगा. लेट मी जस्ट नाउ ईट सम फूड. टेम्पटिंग लग रहा है पूरा खाना. कांट वेट टू डिग इन बिकॉज भूखी लगी है. साथ साथ मेकअप कर रही हूँ. एंड जस्ट हेल्पिंग मी विद द सेटअप. हाँ, ये तो साइड होगा ना. हेलो माय हैप्पी फेसेस. ये पीछे एक वाइट आ रहा है, ये टन है. फटाफट लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई विल सी यू आफ्टर आई एम डन विद द शूट. सो हैज जस्ट शॉट एंड क्लीनड अप ऑल द मेस साइड बाय साइड. I love productive Sundays. I mean, yeah, some days I obviously do want to, you know, just chill and do nothing. But हाँ, I'm so happy today. I actually edited two videos in the morning. अब हम लोग जा रहे हैं डिनर पे कजन के घर पे, जैसे कि मैंने बताया. And I'm so excited about that. They have a very छोटू सा बच्चा also जिसे हम मिलने वाले हैं समारा. छेदा सो रहे हैं. I think in about 15-20 minutes we should leave. तैयार ही हूँ. मैंने बहुत basic makeup करा है. So I think I'm just gonna keep it like that because I am feeling very comfortable in my skin. This is the dress which I am wearing, but I am gonna change it because I wanna come in like my comfiest clothes ever. And I am ready with my OOTD happy wears bought. This top is from Shein, jeans is from Everlane. So हम लोग निकल चुके हैं and mask on. Okay, चलो let's go. हम लोग हैं मेरी कजिन के घर दिविशा and इक्षु जीजू. Hi. Hello. Hello. Cheers. Copyright. ये कौन है? एक और बीबी कैसे आ गया? हाँ. हाँ, यहाँ पे पीछे ओ पीछे दिविशा इज ट्राइंग की मॉमी मॉमी थिंग टू मेक द बेबी लाफ. हाय गाइस. हाय. पापा गा भी रहे हुआ. Hey y'all, so we are back home. It has definitely been a long day, but हाँ अच्छा रहा, काफी अच्छा. Right now क्योंकि हमने बहुत खा लिया है, so I'm just having some hot water like with sauf and cinnamon. And you can see that my skin still looks, you know, so plump and so hydrated. Description box में मैं link डाल दूँगी इस product का, और पैरस का आप लोग देख सकते हो, check out कर सकते हो if you like. And thank you so much for being a part of my day. I hope you enjoyed watching it and like करते जाना video को अगर हाँ, और subscribe कर देना मेरे channel को. I'm gonna see you all in my next video. Bye.